अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को प्रधान डाकघर कार्यालय पर अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल किया। प्रमुख मांगों में नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, रिक्त पदों को भरना, मृतक आश्रितों को शत प्रतिशत नौकरी देना एवं ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना। हड़ताल में अनिरुद्ध कुमार सुमन, उमाशंकर सिंह, अजय कुमार पांडे, आनंद सिंह, इंद्रमणि त्रिपाठी, आर एस चंद्र, विजय कुमार राय सहित भारी संख्या में डाककर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जनादर सिंह ने कहा, आज केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण सभी कर्मचारी डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं, नई पेंशन नीति को खत्म करके पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। कर्मचारी जो विरोधी हैं, भारत सरकार हो गई है, 5% जो है ये मृतक आश्रित में सीलिंग लगा रखा है, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि आप नौकरी भी नहीं देंगे, पेंशन को भी खत्म कर देंगे, पेंशन नहीं देंगे, पारिवारिक पेंशन नहीं देंगे, सरकार जो कर्मचारी हैं उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। रिलैक्सेशन अपॉइंटमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 5 प्रमोशन हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उनको भरा जाए। हमारे GDS कर्मचारियों को जो कमेटी है उसको जो है पूरी तरह से लागू किया जाए और 7वीं वेतन आयोग की में जितनी भी विसंगतियाँ हैं, सरकार ने वादा किया था 11 जुलाई 2016 को, उसको पूरा किया जाए और तमाम मांगे हैं जो कि सरकार चाहे और उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, इसलिए जो है हमारे सारे केंद्रीय कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, सड़क पर हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक चलेगा? ये 2 दिन का हड़ताल है, 8 और 9 जनवरी 2019 तक 2 दिन का हड़ताल है। जनार्दन सिंह, डिविजनल सेक्रेटरी, गोरखपुर।